हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा में, कि जब वो कैमरा को ओपन करने जाता है तो उसके सामने जो है ऐसा ऑप्शन आ जाता है, कैमरा कीप्स स्टॉपिंग और यहाँ पर कैंसिल या पर रिपोर्ट, ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को 3 टिप्स दूंगा, मतलब आपको 3 टिप्स और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। लास्ट का जो तरीका है वो थोड़ा सा रिक्स है, लेकिन उससे 100% आपका सॉल्व हो ही जाएगा। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपका जो भी कैमरा रहेगा उस पर ऐसे टैप कीजिए एंड ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। आप ऐप इन्फो पर जाइए और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लियर डाटा। क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए, देखने को मिलेगा क्लियर कैच, तो आपको क्लियर कैच कर देना है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है एंड अभी कैमरे को ओपन करना है। और फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, फिर से इस पर टैप करके रखना है, ऐप इन्फो पर जाना है एंड अभी आप लोगों को क्या करना है, फिर से क्लियर डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से जो क्लियर ऑल डाटा है आपको यहाँ पर क्लियर करना है, मतलब क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके सब कुछ क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका 99% चांस है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वो क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपको फ़ोन को रिपोर्ट कर लेना है। सो उसके बाद 99% चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन तब भी नहीं हुआ तो आपका लास्ट एक ही ट्रिक है। सो वो है आपके फ़ोन को रिसेट करना होगा, मतलब इसका और कोई रास्ता नहीं है, बस आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, फ़ोन को रिसेट। ये बहुत ज़्यादा रिक्स की है, लेकिन कैमरा ही मोबाइल का एक शानदार लुक देता है। अगर आपका कैमरा ख़राब है तो उस मोबाइल का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए आप फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं। बाय द वे, आप जो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप किसी को शेयर करके रख सकते हैं और स्टोरेज पे, यानी आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वहाँ पर आप रख सकते हैं, तो आपका मोबाइल जो है सुरक्षित रहेगा। उसके बाद आप मोबाइल को रीसेट कीजिए। सो यही एक ट्रिक्स था जिसे मदद से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।